Hello friends, Dr. Shabnam this side. I'm a PCOS specialist. I practice in Mehroli, Delhi. So today I'm going live. This is my first session of live video. And अब मैं live videos करते ही रहूँगी. अपने जितने भी viewers हैं या मेरे जितने भी patients हैं जो मुझे follow करते हैं उनको मैं कुछ ना कुछ tips देती रहूँगी. क्योंकि PCOS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नेचुरल चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है. आज हम थोड़ी सी बात करेंगे PCOS और PCOD के बारे में. बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम मुझे PCOD है या PCOS है. सो व्हाट इज़ PCOS एंड व्हाट इज़ PCOD. आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूँगी. एंड आई होप कि जो लोग भी मुझे वॉच कर रहे हैं इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे कि PCOS है या PCOD है. व्हाट इज़ PCOD? PCOD इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. सो PCOD इज़ एन ओल्ड टर्म जो पहले यूज़ किया जाता था PCOD, बट अभी भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं. तो डी डिनोट्स डिजीज. डिजीज मतलब बीमारी, बट PCOD कोई बीमारी नहीं है. That's why the new term is PCOS, polycystic ovarian syndrome. So, आपको confused नहीं होना है. Actually, both are same. तो अपने आप को समझना है कि you are not a diseased person. आप बीमार नहीं हो. And PCOS है या PCOD है, दोनों same है. बस PCOD पहले use किया जाता था, PCOS अब use किया जाता है. This is a new term. क्यों होता है और कैसे होता है, आई होप कि जितने पेशेंट्स इससे अफेक्टेड हैं उन सबको ये चीज़ें पता होंगी कि PCOS क्यों होता है. क्योंकि क्यों का जवाब एग्जैक्टली अभी तक नहीं है, बट ये डेफिनेटली हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है. आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. अब ये हार्मोन्स का बैलेंस क्यों बिगड़ता है इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अभी तक नहीं है. रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, बट अभी कुछ कुछ आंसर्स जो मिले हैं वो ये हैं कि इसमें फैमिलियल टेंडेंसी भी मानी जाती है, इसमें जेनेटिक फैक्टर भी माना जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपकी लाइफस्टाइल चेंज. लाइफस्टाइल चेंज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. आपके इन्वायरमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि आपके PCOS को एग्रवेट करता है. सो इसमें अगर हम बात करते हैं PCOS, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि एक सिस्ट है. एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ सिस्ट. एक रिपोर्ट करने के इसमें सिस्ट बताया जाता है, बट ये फॉलिकल्स होते हैं. जब एक बच्ची माँ के पेट में होती है तो उसकी ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स होते हैं. फिर वो जब पैदा होती है तो वो फॉलिकल्स नंबर में काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं. फिर वो जब बड़ी होती है, जब मेनार्की की एज में पहुंचती है, तो वो फॉलिकल्स नंबर में काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं. तो वही फॉलिकल्स होते हैं जिनको कि हम PCOS में देखते हैं. तो ये PCOS है जिसमें फॉलिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे रह जाते हैं और आपकी ओवरी में पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं, तो जिन्हें हम PCOS यानी सिस्ट बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट सिस्ट. ये स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स रह जाते हैं जो ओवरी में पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं एक नेकलेस पैटर्न में. सो PCOS इज दिस थिंग, इट्स नॉट अ सिस्ट. तो एक पेशेंट को एक्सप्लेन करने की लैंग्वेज में इसको ऐसे बताया जाता है कि सिस्ट है. सो आई होप कि आज का सेशन मैंने सिर्फ एक बहुत शॉर्ट सेशन रखा है कि आप लोग मुझसे जुड़ें, और अगले मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग से जुड़ूँ और PCOS के बारे में जितनी हो सके आप लोगों को जानकारी दूँ. डेफिनेटली मैं यहाँ मेडिसिंस की बात नहीं करूँगी, लेकिन यस नेचुरल ट्रीटमेंट के कुछ ना कुछ टिप्स इसमें देती रहूँगी. और जितना आप जुड़ सकते हैं उतना आप जुड़ें, और जितना आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं आप उठाएं. और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई क्लिनिक्स नंबर, दैट इज़ 8800740215. यू कैन टेक वीडियो कंसल्टेशन एज वेल बाई कॉलिंग ऑन दिस नंबर और मैसेजिंग ऑन दिस नंबर.
और आप हमारी क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ इन मेहरोली दिल्ली, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, दैट इज़ best.pcos.specialist, और आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों ही जगह पे आपको ऑलमोस्ट डेली ही कुछ ना कुछ PCOS के बारे में टिप्स देती रहती हूँ। तो आई होप कि आज का सेशन तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, बट आगे के सेशंस में मैं कुछ ना कुछ टिप्स आपको देती रहूँगी। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछते रहिए। आई होप कि आगे के सेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी अच्छे जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट सेशन, दैट्स वाई मैं अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मैं आगे डिस्कशंस करती रहूँगी और आगे आपके सामने लाइव आती रहूँगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं मेडिसिंस के बारे में ऐसे लाइव सेशंस में तो बात नहीं कर पाऊँगी, बट यस, नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।